सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। ये पिछले कुछ दिनों पहले मैंने आपको अपने जावा का पेयर दिखाया था, ये वाइट वाला, जैसे ये आपको नज़र आ रहा होगा। इनके कुछ पट्टे निकले हैं तो मैंने कहते हैं अलग किए हैं। मैंने कहा आज अपने फ्रेंड को इनके बच्चों का शौक कराता हूँ। देखें ये इन्होंने बच्चे मारे हैं, तीन बच्चे निकले थे माशाल्लाह से। देखें ये एक फ़ान है पैट, ये एक फ़ान पैट का बच्चा लगता है मुझे, ये वाइट है। मुझे कैमरा देखें, फ़ान पैट इन्होंने बच्चे मारे। मैं ज़रा अंदर करके दिखाता हूँ क्योंकि जाली की वजह से ना सही से नज़र नहीं आ रहे आपको। एक मिनट ज़रा सब्र कीजिएगा, मैं दरवाज़ा खोल लूँ, फिर मैं अपने फ्रेंड को इनका दीदार कराता हूँ। देखें ये इनके तीन बच्चे निकले थे, ये मेरे जावा के। मैंने कहा अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर लूँ, आज मैं फ्री बैठा था। ये एक मुझे फ़ान का लगता है, दो ये वाइट पाइट से हैं, ये ब्लैक ब्लैक इनका शेड आ रहा है। जैसे जैसे ये बड़े होते जाएंगे ना, ये पूरे वाइट हो जाएंगे इंशाल्लाह, आगे अल्लाह की मर्ज़ी। मैंने कहा मैं अपने फ्रेंड को दिखाऊं, ये अब तंग हो रहे हैं तो जिसकी वजह से अब मैं इनको तंग नहीं करता। इनकी खुराक के बारे में आपको क्या बताऊं, इनको बस वही मिक्स फीड देता हूं मैं जो जिससे ये मेरे पास चल रहे हैं। ये मेरे पास ये बड़े इनके माँ बाप हैं। अब ये दोबारा कहते हैं अंडों पे आ गया माशाल्लाह से जोड़ा, क्योंकि मैं अब इनके करीब आया हूँ तो ये मुझसे डरने लग गए हैं। आपको अब मैं अपनी फिंच का सेटअप दिखाता हूँ। इनके पिछले दिनों मैंने बच्चे सेल कर दिए हैं, मेरा दोस्त मेरे पीछे था काफ़ी दिनों से फिंच के पट्ठे लेने के लिए, तो मैंने उसको सारे अपने पट्ठे वगैरह निकाल के दे दिए। देखें यही मेरे पांच सात जोड़े हैं ब्रीडर, यही मुझे कहते हैं बच्चे वगैरह दे रहे हैं इन्हीं के। ये अब और भी कुछ नज़र आ रहे होंगे, जैसे ये ब्लैक सामने बैठा हुआ है, वो ब्लैक एक मटकी के ऊपर होगा। बाकी कुछ ने अंडे वगैरह दिए हैं और कुछ बाहर आ गए हैं खाना वगैरह खाने, क्योंकि शाम का टाइम है तो ये दाना वगैरह खाने आ गए हैं। अब मैं थोड़ा करीब होकर आपको जावा दिखा दूँ। वो देखें जैसा कि जावा इधर बैठा हुआ है एक मटकी के ऊपर, वो दूसरा मटकी के अंदर जा रहा है क्योंकि उसने एग वगैरह दिए हैं। मैं इसलिए करीब नहीं जाता, वो फिर तंग होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं। ये मेरा दूसरा पोर्शन खाली था, मैंने कहा बच्चे बड़े हो गए हैं, ये माँ बाप को कहते हैं ब्रीड करने नहीं देंगे, फिर मैंने इनको नीचे कर दिया। अब मैं आपको अपने लुटीनों दिखाता हूँ, वो अब बड़े केज में हैं, उनके पास जाना पड़ेगा तो मैं उनको तंग करना नहीं चाह रहा। इन्होंने भी मेरे पास बच्चे वगैरह दिए हैं, कुछ कहते हैं बॉक्स के अंदर चले गए हैं। मैंने कहा बाहर बाहर से आपको दिखा दूं, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह वक्ती में आपको ना दिन दिन में पिंजरे के अंदर जाके विज़िट कराऊंगा, फिर आपको मैं दिखाऊंगा। मैंने कहा अपने फ्रेंड को अपने लुटीनों के कहते हैं, ये मैंने पट्ठे लिए थे, इनको चार पाँच माह रखा है, अब जाके ये तैयार हुए हैं तो अब ये मेरे पास ब्रीड दे रहे हैं। इनको भी दाने में वही मिक्स फीड जो मैं मार्केट से लेके आता हूँ, उन्हें मैं कह देता हूँ कि मुझे मिक्स फीड चाहिए, तो वो मुझे मिक्स में बना देते हैं, बाजरा चीना कंगनी सूरजमुखी के बीज और पत्नी दो चार और चीज़ें हैं, वो मुझे याद नहीं आ रही। तो मैंने कहा चलो आज मैं बाहर बाहर से अपने फ्रेंड को दिखा दूँ, अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं इनको अंदर आपको बॉक्स के अंदर दिखाऊँगा कि इन्होंने कितने कितने बच्चे दिए हैं मेरे पास। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरे सेटअप किस तरह लगा है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। किसी भाई को कोई सी चीज़ के बारे में, कोई दवा के बारे में मुझसे पूछना हो तो वो मुझसे कमेंट करके मुझसे रابطہ कर सकता है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।